जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग, वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। सो स्वीट। जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग, अजय होटल बिल्डिंग, लौड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। मेरा नाम सलीम शिवालवी है। सलीम साहब, आज बात करें जिस तरीके से माहौल है देश के अंदर, उस पे दो शब्द आप शायराना अंदाज में बताते तो। हाँ, मुझे भी दुख है और अफसोस भी है कि जिस भारत को एकता और भाईचारा के नाम से फख्र से दुनिया देखती है, और खास करके हमारा बनारस जो गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से मशहूर है, फेमस है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दो तीन शेर मैं हाजिर करता हूँ कि हमें डर है कि आफत हो ना जाए। दो तीन शेर देना चाहता हूँ कि हमें डर है कि आफत हो ना जाए, कहीं गमगीन भारत हो ना जाए। ये हमारा देश का मस्तक देख करके पूरी दुनिया फख्र करती है, वो हाजिर कर रहा हूँ कि हमें डर है कि आफत हो ना जाए, कहीं गमगीन भारत हो ना जाए। धरातल पर ये मीनारों सा मस्तक, धरातल पर ये मीनारों सा मस्तक, धरातल पर ये मीनारों सा मस्तक, सियासत की बदौलत हो ना जाए। वतन की एकता है अलगू जुम्मन, वतन की एकता है अलगू जुम्मन, कहीं दोनों में नफरत हो ना जाए। तो हमें पूरे देश से एक अपील करना चाहते हैं कि ये दूरी ना होने दें, क्योंकि तासुब के शजर में प्यार का फल हो नहीं सकता, तासुब के शजर में प्यार का फल हो नहीं सकता। मसला हो कोई लड़कर कभी हल हो नहीं सकता। कई रंग के गुलों से है बना गुलदस्ता है भारत, हटा एक रंग भी भारत मुकम्मल हो नहीं सकता। इसलिए इस गुलदस्ते को कायम रखने के लिए एकता, एकजुटता और भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम देना और उसको इकट्ठा करके रखना, ये हम सबका आज फर्ज है। और बल्कि ये कहेंगे कि आओ एक जश्न मोहब्बत का मनाया जाए, जो है मकसूदे मोहब्बत वो बताया जाए। प्यार वो शय है जो नफरत को मिटा देती है, आओ फिर प्यार जमाने को सिखाया जाए। ये होना चाहिए, इस समय सबकी जरूरत है कि लोग ये पैगाम दें। बस इसी के साथ शुक्रिया। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शिवालय के रहने वाले हैं। बात कर रहे हैं अभी, अधिकारी लोग आए, किस तरीके के अमन जन की दुआ करते हैं? देखिए, हम अमन पसंद लोग हैं और लोगों से हम एक ही अपील करेंगे कि अपना शहर जो है, हमको सबको एक साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ यहाँ पे रहना है। हम अपना घर बर्बाद ना होने दें और किसी राजनीतिक लोगों का शिकार ना बने। डॉक्टर इफ्तखार अहमद जावेद, मेंबर सेंट्रल हज कमेटी, भारत सरकार। जो हालात हैं इस समय देश में, लगातार विरोध हो रहे हैं, वाराणसी में विरोध हुए, धारा 144 लागू होने के बाद भी लोग कानून को भी हाथ में ले रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको इस पूरे विषय पे जानकारी नहीं है और सड़कों पे उतर रहे हैं, हिंसा हो रही है, बड़ी दिक्कतें हैं सारे लोगों के लिए? दरअसल चार साल से मैं महसूस कर रहा हूँ एज ए मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया का, मुसलमानों के बीच में मैं काफ़ी काम करता हूँ। हमारी कौम के लोगों को सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि वो पढ़ लिख करके नहीं बहस करना चाहते, वो सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा बहस करना चाहते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कुरान शरीफ को पढ़ते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। कभी मौलाना सुना देते हैं, कभी लोग सुना देते हैं, वो पढ़ करके अगर बात करें तो हमारे देश के मुसलमानों की दशा और दिशा कुछ और हो जाए। आज मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से मुसलमानों से लेकर के सबका विकास किया है, सबका साथ सबका विकास के रूप में काम किया है, आज विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। एक के बाद एक लगातार जितने हिंदुस्तान के विवादास्पद मुद्दे थे, धीरे धीरे सबका अंत हो रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास कुछ भी बचा नहीं है कि करे तो क्या करें, और इस कौम को, हमारी कौम को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको भ्रम में ला रहे हैं। जबकि इस कानून का, जिसका वे विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको नागरिकता देने का है। जो 11 साल में मिलती थी वो 6 साल में मिलेगी, ऐसा प्रावधान है। अगर वहाँ का मुसलमान या बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का, वो नागरिकता लेना चाहता है तो पहले की तरह, जैसा हमेशा मिलता आया है, आगे भी मिलेगा 11 साल के बाद, उसी प्रक्रिया से मिलता रहेगा।
फिर भ्रम कहाँ है, कहाँ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग ऐलान कर रखे हैं कि आज जुमे की नमाज के बाद वो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे, जिसको लेकर ये लॉ एंड ऑर्डर खतरे में दिख रहा है। देख, कल जो विरोध हुआ है इसमें शहर के लोग बहुत कम थे, बाहर के लोग आए थे। ये बनारस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दिखाना चाहते हैं कि बनारस में डिस्टर्बेंस है। बनारस के बड़े तबके के लोग जो बनारस को लीड करते हैं यहाँ पे, उनका इस कल के उसमें कोई हाथ नहीं था। आज प्रिंट मीडिया आपके माध्यम से आया है कि सारे बाहर के लोग आए हुए थे, ये डिस्टर्ब करने की चाल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात की मुसलमानों से अपील करते हैं कि पहले तथ्यों को जाने, समझें, पढ़ें। सीएबी जो सीए हो चुका है, एक्ट बन चुका है, ये है क्या? इसमें भारतीय मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। जिस मुसलमानों के लिए आज हम आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, वह उस देश के मुसलमान हमें कभी नहीं अपनाए। 72 साल से जो यहां हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान गए, वो आज भी मुहाजिर कहलाते हैं, और आज भी इस हिंदुस्तान का मुसलमान अगर पाकिस्तान जाएगा तो इमरान खान का बयान हम किसी मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हम उन मुसलमानों की चिंता क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हम भारतीय मुसलमान सुरक्षित है, एक मुसलमान इस हिंदुस्तान से कहीं नहीं जाने वाला। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।